A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. So, are you doing enjoy your study or not? वैसे भी बहुत छुट्टियाँ आती हैं बीच में, तो हम वर्क नहीं भेजते हैं, जैसे कि कल भी छुट्टी थी, बट आज बिल्कुल हम स्टडी करेंगे. और टुडे वी विल लर्न एंड रीड द चैप्टर 9. इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ द एग्जिक्टिव. What is the means of comparison? Comparison का मतलब होता है तुलना करना. Of executive विशेषण की तुलना करना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका comparison करना. अब comparison जो हम 3 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है. तो executive के माध्यम से हम comparison करते हैं. अब वो comparison 3 टाइप से होता है. There are 3 degrees of the comparison. यानी कि यदि हमको किसी 2 जनों को कंपेयर करना है या 3 जनों को कंपेयर करना है, तो हमारे पास उसके लिए 3 डिग्रीज है, ठीक है. तो उन 3 डिग्रीज से ही हम उसका comparison कर सकते हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री, जैसे कि कोई काम करने में अच्छा है तो गुड. अब 2 जनों में हमको तुलना करनी है कि ही इज़ गुड बट He is best. लेकिन ये तो अच्छा है काम करने पर वो जो दूसरा वाला है वो उससे ज़्यादा अच्छा है, यानी कि बेस्ट है. बट यदि हमें ये मैंने आपको एग्जांपल दिया पॉजिटिव डिग्री का और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का. इसके बीच में एक आती है कंपेरेटिव डिग्री कि 2 जने हैं उनके बीच में करना है तो बेटर का यूज़ होगा. अभी हम इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम यदि किसी चीज़ का कंपेरिजन करें तो किस तरीके से हमें वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए या फिर उसके लिए कौन सी डिग्रीज होती हैं. कंपेरिजन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. पॉजिटिव डिग्री, इट एक्सप्रेस द सिंपल क्वालिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव. फॉर एग्जाम्पल, टॉल, बिग, स्मॉल एंड हैप्पी. जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपल क्वालिटी बताती है किसी भी चीज की, कि हाँ भाई ये जो चीज है वो टॉल है, बिग है, स्मॉल है, हैप्पी है, वो एक सिंपल क्वालिटी बताई है, ठीक है. देन द कंपेरेटिव डिग्री, इट इज यूज व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड. वन हैज मोर ऑफ दैट क्वालिटीज द अदर अनदर. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज बिगर देन दैट. तो कंपेरिजन डिग्री जो होती है वो तुलना करती है 2 चीज़ों में, 2 लोगों में या किसी भी 2 थिंग्स में. जैसे कि दिस पेन इज़ बिगर देन दैट, ये पेन उस वाले पेन से बड़ा है. दिस ग्लास इज़ बिगर देन दैट, ये ग्लास उससे बड़ा है. या दिस रूम इज़ बेटर देन दैट, ये कमरा उस कमरे से ज़्यादा अच्छा है, ओके. और भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं, जैसे दिस ड्रेस इज़ मोर ब्यूटिफुल देन That dress, वो वाली जो dress है वो उससे ज़्यादा है. तो यहाँ पर हमने more word use किया. Then जो तो ये इसमें हम comparative degree में क्या कर रहे हैं, जो 2 things हैं चाहे 2 persons हैं, कुछ भी 2 things हैं उसके अंदर हम comparison कर रहे हैं. फिर है superlative degree, it is used when more than 2 objects are compared, one of them that's maximize of that qualities than others. For example, this trees is the tallest of the trees. सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ का सारी चीज़ों के साथ तुलना करते हैं कि सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है. दिस ट्री इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल द ट्रीज, ये जो ट्री है वो सारे ट्रीज में सबसे बड़ा ट्रीज है, सबसे लंबा ट्री है, ठीक है. समझ में आया कि सब में जो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो है, चाहे वो सबसे बुरा भी हो सकता है, सबसे अच्छा भी हो सकता है, सबसे लंबा भी हो सकता है तो सबसे छोटा भी हो सकता है, टॉलेस्ट हो सकता है, स्मॉलेस्ट हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, वर्स्ट हो सकता है. तो ये सारे किस में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में, कि सबसे ज़्यादा, उन सबसे ज़्यादा, यानी कि क्लास में यदि बच्चे हैं तो रोहन इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट देन अदर्स, यानी कि वो सारे बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. यूज ऑफ द कंपेरेटिव एंड द सुपरलेटिव. अब भाई पहली जो डिग्री थी वो थी पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में हम एक सिंपल बात करते हैं दैट शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है. तो ये लड़की जो है वो बहुत शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर हमने इंटेलिजेंट का यूज़ किया, ये लड़की होशियार है. बट अब जो सेकेंड डिग्री है कंपेरेटिव, तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 लड़कियों का कंपेरिजन करेंगे. जैसे कि रेखा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन शिखा, कि रेखा जो है वो शिखा से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. और लेकिन एक ऐसी लड़की जो कि पूरी क्लास में सबसे बेस्ट है, तो सिमरन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कि सिमरन जो है वो
क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है। तो ये समझ में आई चीज़ें कि फर्स्ट तो सिंपल क्वालिटी थी, सेकंड में टू के बीच में कंपैरिजन किया तो वो कंपेरेटिव हो गई, एंड द सुपरलेटिव इज जो सबसे बेस्ट है या जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाई दैन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टॉलर दैन दैट ट्रीज। कंपेरेटिव डिग्री में हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, जैसे कि ये पेड़ जो है वो दूसरे पेड़ से बड़ा है, तो यहाँ के लिए हमने वर्ड यूज़ किया टॉलर। टॉलर मीन्स उससे ज़्यादा कंपेरेटिवली बड़ा है। नोट, समटाइम्स वैन सेलेक्शन ऑफ वन थिंग आउट ऑफ द टू मेड ऑफ यूज इन द प्लेस ऑफ देन, फॉर एग्जाम्पल एवरिक इज वाइजर ऑफ टू ब्रदर्स। कई बार क्या होता है, ये तो हमने बोला कि दो जनों के बीच में कंपैरिजन करना है, लेकिन कई बार दो से ज़्यादा मतलब तीन लोगों के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है। जैसे कि एरिक इज वाइजर देन टू ब्रदर्स, कि जो एक एरिक है, एक लड़के का नाम है, वो अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा होशियार है, तो उसमें भी वाइजर का यूज़ हुआ, यानी कि हमें कंपेरिजन दिखाना है तो वो हुआ। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू वेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर, इज फॉलोड बाय ऑफ द प्रेसिडेड बाय द, फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रीज इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज। ये जो ट्री है वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट ट्री है किसमें, सभी ट्रीज में। तो सुपरलेटिव डिग्री तो भाई सबसे बेस्ट या सबसे वर्स्ट ही बताती है। ठीक है, सबसे बड़ा हो सकता है, सबसे छोटा हो सकता है, तो जो सब मतलब पूरी सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा हो वही सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ द डिग्रीज ऑफ द कंपेरिजन, मोस्ट एग्जैक्टिव ऑफ वन और टू सिलेबस फ्रॉम द कंपेरेटिव डिग्री एडिंग बाय ई आर एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग ई एस्ट और द पॉजिटिव डिग्री। मतलब यदि कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो उसके लिए हमें उसमें जो भी पॉजिटिव डिग्री में वर्ड आएगा उसमें ई आर लगाना पड़ेगा, और उसी का यदि सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ई एस टी लगाना होगा। अब किस तरीके से होगा, यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको यदि वर्ड दिया गया है शॉर्ट, तो उसका कंपेरेटिव डिग्री, शॉर्ट मतलब कम हाइट की, शी इज़ अ शॉर्ट हाइटेड गर्ल, ये लड़की जो है इसकी कम हाइट है। अब कंपेरेटिव डिग्री में शी इज शॉर्टर देन रीमा, कि वो रीमा से ज़्यादा शॉर्ट है, तो यहाँ पे शॉर्टर लग गया। इनकी जो शॉर्ट की स्पेलिंग थी उसमें हमने ई आर ऐड कर दिया। द शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है ना, शी इज़ द शॉर्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये पूरी क्लास में सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल है, यानी कि सबसे छोटी लड़की है। तो ये इस तरीके से यदि हमने ई आर लगा दिया तो क्या हो गया, कंपेरेटिव डिग्री हो गया। अब यदि हमने उसमें ई एस टी लगा दिया, एस्ट लगा दिया, तो शॉर्ट का शॉर्टेस्ट हो गया, शॉर्ट छोटा, शॉर्टर उससे छोटा, द शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, राइट। तो जो हमने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री में एक हमको सिंपल क्वालिटी मिली, उसको जब हमने कंपेरिजन किया तो वो कंपेरेटिव डिग्री में क्या आया, दो जनों के बीच में शॉर्टर। और जब हमने पूरी पूरी क्लास में देखा या जो भी हमारे पास है उन सब में देखा तो वो सुपरलेटिव डिग्री हुई शॉर्टेस्ट। इसी तरीके से ओल्ड, पुराना, ओल्डर, इससे पुराना या ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। इसी तरीके से ओल्ड मतलब बुजुर्ग, ओल्डर इनसे ज़्यादा बुजुर्ग, ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा बुजुर्ग। टॉल लंबा, टॉलर, दो के बीच में कंपेरिजन है तो इससे ज़्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे ज़्यादा लंबा। हॉट गर्ल, हॉटर, हॉटेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव डिग्री। फिर उसका हमने ई आर लगा के बनाया कंपेरेटिव डिग्री, जिसमें हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ई एस टी लगाया तो क्या बनाया, सुपरलेटिव डिग्री, जो कि सबसे ज़्यादा है, चाहे वो सबसे ज़्यादा बुरा हो चाहे सबसे ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, सम एग्जेक्टिव्स ऑफ हाउ टू एंड थ्री मोर सिलेबस फ्रॉम द कंपेरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्रीज बाई यूजिंग मोर एंड द मोस्ट टू द पॉजिटिव डिग्री। अब जो कुछ सुपरलेटिव या कंपेरेटिव डिग्री हैं वो जो पॉजिटिव डिग्री में वर्ड आता है उसमें मोर या मोस्ट लगाने से बन जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है यूजफुल, ठीक है, इट इज़ यूजफुल थिंग। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब है इट इज़ मोर यूजफुल दैन दैट थिंग, ये उस चीज़ से ज़्यादा यूजफुल है। सुपरलेटिव इट इज़ द मोस्ट यूजफुल थिंग इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल थिंग है। वंडरफुल,
अद्भुत, मोर वंडरफुल, उससे ज़्यादा अद्भुत, एंड द मोस्ट वंडरफुल, सबसे ज़्यादा अद्भुत, ब्यूटिफुल, सुंदर, मोर ब्यूटिफुल, दूसरे से ज़्यादा सुंदर, द मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर, डिफ़िकल्ट, कठिन, मोर डिफ़िकल्ट, उससे ज़्यादा कठिन, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा कठिन। तो ये बताया गया है। सम कंपेरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्स आर इरेगुलर। अब कुछ जो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री होती है वो इरेगुलर होती है, जैसे कि द आर्ट पीस, दिस आर्ट पीस एंड दिस आर्ट पीस इज, सब में वो एक ही यूज़ हो रहा है, गुड, बेटर, बेस्ट एंड बैड, वर्स, वर्स्ट, मतलब इसमें अलग ही शब्द आ रहे हैं, बैड उसका वर्स, वर्स ऑफ इट सुपरलेटिव वर्स्ट, यानी पहले तो हम जो पढ़ रहे थे उसमें केवल उसमें ऐड कर दिया ER या EST तो हमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मिल गया, या फिर मोर या मोस्ट ऐड कर दिया तो हमें कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री मिल गया। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव से यदि कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाना है तो कुछ अलग ही यूज़ करना, वर्ड यूज़ करना होता है, लाइक दिस। अब बैड का हो गया वर्स एंड द वर्स, फिर मच, मोर, द मोस्ट, गुड, बैटर, बेस्ट, ओल्ड, ऑल्डर, ओल्डेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, लिटिल, लेस, द लीस्ट, लेट, लेटर, द लेटेस्ट, लेटेस्ट एंड फार, फादर, फार्टेस्ट। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, राइट। लेकिन इसमें भी कुछ वर्ड देखिए ऐसे हैं जिसमें भी ER या EST का यूज़ करके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है। तो यह आप अच्छे से इसे लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और पूरी ज़िंदगी भर काम आता है ये। जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको हम रटे ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमें वैसे भी याद हो जाएगा और पूरी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क इन योर बुक एंड डू योर वर्क इन प्रॉपर टाइम नीटली। Okay, so now your lesson is complete, comparison of the executives. So thank you so much. Bye-bye.